हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि जब भी हम किसी कन्या की पूजा करें या कहीं पर भी कन्या मिले तो हमें उसको देवी समान मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे कष्टों का दल जो होता है वो माता भगवती ही करती है। माता भगवती की पूजा तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी की, अभी इसके बाद उसका भी वर्णन आएगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि भगवान थे उनको ऐसी पूजा करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। जय माता दी। जैसा कि आपने कथा सुनी कि नवरात्रि की पूजा करने से क्या लाभ होता है, भगवान ना करे कि अगर जिंदगी में कभी कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो हमें देवी भागवतम पुराण के अनुसार माता की पूजा करनी चाहिए और उस दुख और तकलीफ को काटने के लिए, हमें हर परेशानी से बचने के लिए ये हमें पूजा करनी चाहिए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के दिन गुजार रहे थे तो सीता माता का हरण हो गया, तो तब भगवान श्री रामचंद्र जी को चिंतित देखकर नारद मुनि जी वहां पर आए और नारद मुनि जी ने उनको उपदेश किया कि हे भगवान, आप भगवती महामाया की पूजा करें, उनकी पूजा करने से हर कष्ट दूर होता है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि भगवान थे तो क्या वो अपने कष्टों को दूर नहीं कर सकते थे? इस बात को जरा विचार कीजिएगा कि जब हम घर के अंदर पूजा करते हैं तो पूजा करने का मकसद क्या होता है, कि जो शक्ति है, शक्ति को हमने समझना है कि शक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी ध्याया है, उन्होंने भी माता की पूजा की है और देवी भागवतम पुराण के अनुसार जब उन्होंने माता की 9 दिन तक पूजा की थी तो पूजा करने के पश्चात उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के कष्टों को दूर किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जंगल में फूलों के अलावा कुछ भी नहीं था, जल और फूल के अलावा। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ पर जब भगवान माता की पूजा करते थे, आराधना करते थे, तो उनको इस बात का आभास था, क्योंकि माता भगवती कभी ये नहीं कहती कि आप किसी की बलि दो। माता भगवती को आप जिस तरीके से भी ध्याएंगे, जिस तरीके से भी आप उनकी पूजा करेंगे, देवी भागवतम पुराण के अनुसार माता पार्वती जी का, माता जगदम्बा का आशीर्वाद हमें वैसा ही प्राप्त होगा। तो आज के हम अध्याय में पढ़ते हैं और आप लोग इसको खूब ध्यान लगा कर सुने कि हमें देवी भागवतम पुराण में माता पार्वती जी की, माता जगत जननी शेरावाली की, ज्वाला माता की पूजा जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी वो किस प्रकार उनको उन्होंने की थी। सीता हरण और देव के विषय में राम लक्ष्मण बातचीत, श्री नारद जी द्वारा नवरात्रि व्रत उपदेश और श्री राम का व्रत करना। व्यास जी कहते हैं कि रावण के कर्तृत्व वचन सुनकर माता जानकी भय से व्याकुल हो उठी, उनके सारा शरीर कांप गया, फिर मन को स्थिर करके उन्होंने कहा कि पुलस्त्य कुमार रावण, तू काम के चुंगल में फंस कर क्यों इस प्रकार की घृणिता बातें कर रहा है? अरे मैं हाट की वेश्या नहीं हूँ, महाराज जनक के कुल में मेरा जन्म हुआ है। रावण तू लंका चला जा, भगवान राम तुझे अवश्य मारेंगे, मेरे लिए ही मेरी मृत्यु होगी, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इस प्रकार कहकर भगवती जानकी पर्णशाला में जहाँ अग्नि स्थापन किया हुआ था चली गई। उस समय जगत को रचने वाले रावण के प्रति दूर हो जा ये आवाज उनके मुख से निकल रही थी। तत्पश्चात रावण असली रूप में आकर पर्णशाला के पास पहुंच गया और उसने जबरदस्ती सीता को बालों से पकड़ लिया। सीता भय से घबरा कर रोने लगी, हा राम हा राम हा लक्ष्मण। इस प्रकार करुण ध्वनि उनके मुख से निरंतर निकल रही थी। उधर नीच रावण ने उन्हें पकड़ा और रथ पर बिठा कर ही तुरंत चल पड़ा।
जाते समय मार्ग में अरुण नंदन जटायु ने उसे घेर लिया। फिर उस वन में ही अरुण नंदन जटायु ने रावण के साथ भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। तत् रावण के हाथों जटायु की सत्ता शिथिल हो गई। वो राक्षस सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। बेचारी सीता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में सीता के रहने की अवस्था कर दी। उनके पास राक्षसियों द्वारा पहरा लगा दिया। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। जब भगवान श्री रामचंद्र जी हरण को पकड़ने के लिए गए, तो उस वक्त जब रावण सीता माता को हरण कर ले गया, तो गिद्धराज जटायु से उनका युद्ध हुआ। जटायु कौन था? वो एक परिंदा था, आप भी जानते हैं। तो जब उस जटायु से उनका युद्ध हुआ, जटायु हार गया, तो अपने परों से और चोंच से वो युद्ध कर रहा था, जबकि रावण के हाथ में तलवार थी। तो जब वो रावण से युद्ध हार गया और जब धरती पर गिर गया, तो रावण सीता माता को लेकर अशोक वाटिका, जहाँ पर सीता माता को रखा गया वो अशोक वाटिका थी। अशोक वाटिका एक बहुत खूबसूरत एक बाग बगीचा भी बोल सकते हैं कि वहां पर सीता माता को रखा गया। उस समय सीता के बनचरी रूप बाण से लक्ष्मण अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भगवान राम से कहा कि प्रभु, समय बलवान है, उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। यही निश्चित बात है कि फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाला में गए। उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी, तब उनके दुख की सीमा ना रही। फिर तो जानकी को खोजने में दोनों भाई तत्पर हो गए। खोजते हुए वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर पक्षीराज जटायु गिरे पड़े थे। पृथ्वी ने पक्षीराज को गोद में लिटा लिया था। अभी शरीर में प्राण थे। जटायु ने कहा कि थोड़ी देर की बात है, रावण तुम्हारा जनक नंदन जानकी हरी गई है। मैंने उस बीच राक्षस को रोक लिया था, परंतु अंत में उसकी शक्ति सफल हो गई, जिसके लिए मुझे संग्राम में लेट जाना पड़ा। इस प्रकार कहने पर के पश्चात जटायु के शरीर से प्राण प्रायाण कर गए। भगवान के स्पर्श उनके शरीर पवित्र हो चुका था। राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों में पक्षीराज की पारलौकिक क्रिया संपन्न की। तदनंतर वे वहां से आगे बढ़े। फिर उन्होंने कबंध को मारकर उसका श्राप से उद्धार किया। एक समय की बात है कि सीता बेहाल से अलौकिक होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे सोमय, जानकी की कुछ भी पता ना चला, उसके बिना मेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। जानकी के बिना अयोध्या में मैं पैर ही ना रख सकूंगा। राजे हाथ से चला गया, वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा। पिताजी की सुरधाम सिधारे स्त्री हरी गई, पता नहीं देव आगे क्या करेंगे। मनु के उत्तम वंश में हमारा जन्म हुआ है, राजकुमार होने की सुविधा हमें निश्चित सुलभ भी, फिर भी वन में हमें असीम दुख भोग रही है। सौमित्री,
तुम भी राजसी भोग का परित्याग करके दुर्दैवीय प्राणे से मेरे साथ निकल पड़े। लो अब ये कठिन कष्ट भोगो। लक्ष्मण वैदिक सीता बचपन के स्वभाव हर्ष हमारे साथ चल पड़ी। दुरात्मा देववन ने उसे सुंदरी को भी ऐसे गुरुतर दुख देने वाले दशा में ला पटका। रावण के घर में वो सुंदरी सीता कैसे दुखदायी समय व्यतीत करेगी। उस संविधि के सभी आचार बड़े पवित्र हैं, मुझ पर वो अपार प्रेम रखती है। लक्ष्मण सीता रावण के वंश में कभी भी नहीं हो सकती। भला उनके घर उत्पन्न हुई वो सुंदरी दुराचारी स्त्री की भांति कैसे रह सकती है। इस प्रकार कमल लोचन भगवान राम विलाप कर रहे थे, तब धर्मात्मा लक्ष्मण उन्हें आश्वासन देते हुए सत्य पूर्वक कहा कि महाभागे प्रति इस दैनिक भाव के परित्याग करके धीर्य रखिए। मैं उस नीच राक्षस रावण को मारकर माता जानकी को ले आऊंगा, जो विपत्ति और संपत्ति दोनों स्थिति में धीर्य धारण करके एक समान रहते हैं, वो ही बुद्धिमान है। कष्ट और वैभव प्राप्त होने पर उसमें से रचे बचे रहना ये मन बुद्धि मानवों का काम है। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अब आप शोक का परित्याग कीजिए। बहुत से वानर हैं श्री जानकी को खोजने के लिए चारों दिशाओं में जाएंगे। उनके प्रयास से माता सीता अवश्य आ जाएंगी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बातचीत करते हुए नारद मुनि जी ने देखा तो नारद मुनि जी तुरंत वहां पर प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। हरि कीर्तन करते हुए नारद जी को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको आसन दिया। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप चिंता क्यों करते हैं? आपको विलाप करना शोभा नहीं है। आपसे मेरा एक निवेदन है, विनती करता हूँ कि आप माता जगदम्बा की 9 दिन तक आराधना करें। जब आप माता जानकी के लिए 9 दिन तक जगदम्बा माता की आराधना करेंगे तब माता आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी और आपके कष्टों को दूर करेंगी। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि हे नारद मुनि, इस व्रत को कैसे किया जाता है? तब नारद मुनि जी ने सारी विधि बतला कर कहा कि हे भगवान, जब भी किसी के ऊपर को कष्ट आ जाता है, जब भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो मानव का धर्म बनता है कि वो 9 दिनों तक माता जगदम्बा की आराधना करे। जब माता जगदम्बा की आराधना करने का नियम रख लेता है, उपवास रख लेता है, तो 9 दिनों के पश्चात माता जरूर प्रकट होती हैं। जब आपका ये उपवास समाप्त हो जाएगा तो माता जगदम्बा आपको आशीर्वाद देती हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये जानकर प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि मैं अवश्य माता जगदम्बा की आराधना करूँगा, क्योंकि इस वक्त मेरे कष्ट को वही दूर कर सकती हैं और होनी को कौन टाल सकता है।
इतना कहने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक नियम रख लिया और माता जगदम्बा की आराधना करने लगे। जब माता जगदम्बा की आराधना की तो 9 दिन के पश्चात माता जगदम्बा जी वहाँ पर प्रकट हुई। तो माता जगदम्बा जी को जो 9 दिन तक आराधना की, भगवान श्री रामचंद्र जी ने फूल और जल अर्पण करके माता की सेवा करते रहे। जब 10वें दिन माता जगदम्बा जी प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया कि हे राम, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और शक्ति प्रदान करती हूँ कि तू रावण के सामने जाएगा और रावण के साथ युद्ध करके रावण का वंश को भी तू सर्वनाश करेगा, और जब तू उनका सर्वनाश कर देगा तब सीता को आप वापस लेकर अपने घर लौट जाना। इतनी बात कहकर माता जगदम्बा वहां से अंतर ध्यान हो गई। सब बोलो दुर्गेश्वरी माता की जय। जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता जगदम्बा की आराधना करी है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता का दुख में सिमरण किया है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम मानव जब इस संसार में जन्म लेकर आते हैं तो कभी भी कोई कष्ट हो, कोई ऐसी तकलीफ हो, कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आ जाए तो हमें माता जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए, हमें माता जगदम्बा के चरणों में नमन करना चाहिए। धन्यवाद जी आप सबका। आशा करता हूँ कि आप ये कथा दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद जी। जय माता दी।